जय हिंद फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर वाराणसी में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक पचपन सौ बारह पदों के लिए यूपी जी के हम कवर करवा रहे हैं और इसके सीरीज में नेक्स्ट आपका टॉपिक है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार तो उत्तर प्रदेश में कुल चौदह पक्षी विहार हैं तो इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन से पक्षी विहार कहाँ स्थित है क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेलाइक को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे ठीक है थीके? क्योंकि पंद्रह से सत्रह चैप्टर कंप्लीट कर रखा है अगर आपने नहीं देखा है तो आप वन बाई वन करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ठीक है थीके? तो प्लेलिस्ट में सोलह है।, है तो उसको हम ऐड कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहां पर जो सभी पक्षी विहार है सबको हम कवर करेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं उसके बाद हम वन बाई वन करके पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहारों की संख्या कितनी है सबसे पहला प्रश्न बन जाता है उत्तर प्रदेश में पक्षी विहारों की संख्या चौदह है नेक्स्ट वन है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहा जाता है दूसरा पॉइंट बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है एक कन्नौज में स्थित है दो टाइप का प्रश्न बनता है सबसे पहले पूछा राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है लाख बहोसी पक्षी विहार कहां स्थित है कन्नौज में स्थित है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है अगला है राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार तो राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार है यह कहां स्थित है अलीगढ़ में स्थित है चलिए यहां से हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को पढ़ लिया है अब यहां से पढ़ेंगे वन बाय वन करके जो पक्षी विहार सभी चौदह पक्षी विहार हैं वन बाय वन करके पढ़ते हैं तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जिसको कहा जाता है नवाबगंज पक्षी विहार यह कहाँ स्थित है उन्नाव में स्थित है ठीक है तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा उन्नाव याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कहां है उन्नाव में स्थित है अभी इसका हम क्योंकि दूसरा प्रश्न है समस्पुर पक्षी विहार कहां स्थित है समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में स्थित है इंपॉर्टेंट प्रश्न है चलिए अगला प्रश्न है लाख बहोसी पक्षी विहार कहां स्थित है तो लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है याद रखिएगा लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है अगला प्रश्न है सांडी पक्षी बिहार कहां स्थित है सांडी पक्षी बिहार हरदोई में थी स्थित है ठीक है तो सांडी से याद से याद आता है ना सांड तो सांड से हर कोई डरता है तो हर कोई से हर दोई हो जाएगा ठीक है इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं तो सांडी सांडी पक्षी बिहार हरदोई में स्थित है सांड से हर कोई डरता है अगला क्वेश्चन है बखीरा पक्षी विहार तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ है संत कबीर नगर में अब ऐसे भी याद कर सकते हैं जो संत होते हैं जो संत लोग होते हैं हमेशा क्या खाते हैं खीरा खाते हैं तो खीरा से बखीरा तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है संत कबीर नगर में स्थित है सही उत्तर हो जाएगा संत कबीर नगर अगला प्रश्न है ओखला पक्षी विहार तो ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है यह है गौतम बुद्ध नगर में यह प्रश्न जो है दो से तीन बार रिपीट हुआ है ठीक है ओखला पक्षी विहार कहाँ स्थित है गौतम बुद्ध नगर में चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पार्वती अर्गा पक्षी विहार यह कहा स्थित है तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार या पार्वती अर्घ पक्षी विहार कहीं कहीं अर्गा दिया है कहीं कहीं अर्घ्य दिया है तो पार्वती अर्घ पक्षी विहार गोंडा में स्थित है कहां है गोंडा में स्थित है और इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे गॉड मिस क्या होता है भगवान होता है ठीक है गॉड मिस क्या होते हैं भगवान तो उसी प्रकार पार्वती को हम क्या मानते हैं भगवान है ठीक है तो इसी ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पार्वती अर्घ पक्षी विहार गोंडा में स्थित है अगला प्रश्न अगला प्रश्न है विजय सागर पक्षी विहार कहां स्थित है तो विजय सागर पक्षी बिहार आपके महोबा में स्थित है कहां पर है महोबा में इंपॉर्टेंट है विजय सागर पक्षी बिहार महोबा में स्थित है चलिए अगला प्रश्न है पटना पक्षी विहार कहां स्थित है पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है कहा है एटा में तो एटा में पटना पक्षी विहार है या सभी पक्षी विहार बार बार रिपीट होते हैं इसलिए वन वन बाय करके आप रट लीजिएगा इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है और जूनियर असिस्टेंट के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा चलिए नेक्स्ट है समान पक्षी विहार कहां स्थित है समान पक्षी विहार मैनपुरी में है कहां पर है मैनपुरी में है चलिए अगला प्रश्न है सुर सरोवर पक्षी विहार सुर सरोवर पक्षी बिहार कहां स्थित है आगरा में स्थित है इंपॉर्टेंट प्रश्न है याद रखिएगा अगला प्रश्न है सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में है देखिए देखिये ताल पक्षी विहार इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार ठीक है तो पूछ लेगा ऐसे जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहाँ स्थित है यह बलिया में स्थित है चलिए अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ जिले में स्थित है अगला प्रश्न है और लास्ट है शेखा झील पक्षी बिहार कहाँ स्थित है तो हमने बताया था शेखा झील पक्षी बिहार सबसे छोटा पक्षी बिहार है यह आपके अलीगढ़ जिले में स्थित है चलिए वन बाय वन करके इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए तो टोटल पक्षी विहार की बात करें तो टोटल चौदह पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार कौन सा है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार है और राज्य का सबसे बड़ा पक्षी विहार की बात करें तो लाख बहुसी पक्षी विहार है यह कहाँ है कन्नौज में और राज्य के सबसे छोटा पक्षी विहार की बात करें तो यह शेखा झील पक्षी विहार है कहाँ पर है अलीगढ़ में अब वन बाई वन करके जो है क्विक रिविजन कर लेते हैं जैसे पहला है चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार जिसे नवाबगंज पक्षी विहार कहा जाता है यह उन्नाव में है नेक्स्ट है समस्तपुर पक्षी विहार आपके रायबरेली में है अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार ये आपके कन्नौज में है सांडी पक्षी विहार कहा स्थित है हरदोई में क्योंकि सांड से हर कोई डरता है बखीरा पक्षी विहार बिहार है संत संत कबीर नगर में क्योंकि संत लोग क्या खाते हैं अधिकतर खीरा खाते हैं ओखला पक्षी विहार कहा स्थित है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है अगला है पार्वती अर्घ पक्षी विहार तो जिस प्रकार पार्वती को ईश्वर माना जाता है भगवान माना जाता है गॉड मिस क्या होता है भगवान तो यहाँ पर गोंडा में स्थित है अगला है विजय सागर पक्षी विहार यहाँ आपके महोबा में स्थित है नेक्स्ट है पटना

क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार से सभी को कवर कर लिया है और इससे बाहर प्रश्न कोई नहीं बनता है यही आपको घुमा फिरा के एग्जाम में देखने को मिलता है ठीक है तो फ्रेंड्स यह रही आज की वीडियो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें अगर चैनल पर आप पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्योंकि यहां पर जूनियर असिस्टेंट की तैयारी बिल्कुल टॉपिक वाइज करवाई जा रही है ठीक है तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक जय हिंद वंदे मातरम